क्या जैस्मीन भसीन के साथ हुआ है एक बहुत बड़ा धोखा? क्या जैस्मीन भसीन के खिलाफ रची गई है एक बड़ी साजिश? ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है सोशल मीडिया पर जैस्ली फैंस का। जैस्मीन भसीन जब घर से बेघर हुई थी कम वोट्स के चलते, उसके बाद लगातार जैस्ली फैंस ने ये डिमांड की थी कि जैस्मीन को वापस घर में बुलाया जाए। और अब कुछ ऐसा सामने आया है जिस पर एक बार फिर से शो पर बायस्ड होने के आरोप लगने वाले हैं। कलर्स चैनल के सीईओ राज नायक की ओर से एक ट्वीट किया गया है। दरअसल उन्होंने एक ट्वीट को रीट्वीट किया है और इस ट्वीट में लिखा है कि आग तो बुझाई जा सकती है लेकिन हवा की दिशा नहीं बदली जा सकती। अब ये साफ इशारा है रुबीना दिलैक की ओर। इस वक्त अगर किसी सेलेब को बहुत अधिक वोट मिल रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो वो कोई और नहीं बल्कि रुबीना दिलैक ही है। हैशटैग डिजर्विंग विनर रुबीना का यूज करके उनके ट्वीट्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब इस ट्वीट को देखने के बाद ही ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि मेकर्स ने कहीं ना कहीं मन बना लिया है या फिर ये प्लानिंग कर ली है कि वो रुबीना दिलैक को ही ट्रॉफी देंगे। रुबीना दिलैक ही होंगी बिग बॉस 14 की विनर। जानकारी के लिए बता दें कि ये ट्वीट राजीव नाम के एक शख्स की ओर से किया गया, जिसे रिट्वीट किया राजनायक ने। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि रुबीना दिलैक कलर्स चैनल का एक बहुत बड़ा चेहरा है। वो शक्ति अस्तित्व के एहसास की में मेन भूमिका अदा कर चुकी हैं और अब उन्हें रियलिटी शो से भी अच्छी खासी पहचान हासिल हुई है। बहरहाल ये ट्वीट देखने के बाद जैस्ली फैंस का दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। वो अभी तक उम्मीद लगाकर बैठे थे कि एलिगोनी ट्रॉफी लेकर जाएंगे, लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। स्टोरी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और हमारे चैनल यू न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।